खबर बागपत उत्तर प्रदेश से है। सड़क सुरक्षा के प्रति अत्यंत संवेदनशील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश अनुसार शासन के मंशा अनुरूप सड़क सुरक्षा का आयोजन 5 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक किया जाएगा। इसी क्रम में आज जनपद बागपत में परिवहन कार्यक्रम सारथी भवन में ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन द्वारा सड़क सुरक्षा संबंध में कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के जनपद बागपत के बड़ोत स्टेशन पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा बता दें कि चालकों पर चालकों और यात्रियों का ऑडियो वीडियो के माध्यम से सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया गया। इस मौके पर सहायक संभागीय परिवहन एनसे शर्मा ने बताया, सड़क सुरक्षा में अपनी जान गंवाने वालों के लिए प्रदेश सरकार ने ये योजना चलाकर लोगों को कर रहे लगातार जागरूक। प्राइम बिग न्यूज श्रेणी के लिए खास रिपोर्ट। सड़क दुर्घटना को लेकर जो आपने जानकारी दी है, जो एक्सीडेंट हो गया जिसका मर गया, तो उनके लिए जो है कुछ आपने बताया प्रदेश सरकार ने? हाँ, उसके लिए सोलेशियम स्कीम होती है, हिट एंड रन। यदि कोई ट्रक वाला आदमी मार के भाग जाता है और किसी को पता ही नहीं चलता है कि कौन मार गया, कैसे इसकी मृत्यु हो गई एक्सीडेंट में, तो यदि मृत्यु हो जाती है तो जो उसका वारिस होता है, माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, जो भी व्यक्ति उसका वारिस है, उसको प्रदेश सरकार यदि चोटिल हुआ है तो चिकित्सकीय संस्तुति पर 50,000 रुपये तक का है, और यदि उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए 2,00,000 रुपये वारिसान को दिए जाएंगे। और उसके लिए कोई टिपिकल स्कीम नहीं है, ये इसके लिए सीधा सीधा है, जो भी वारिस है वो अपना आधार कार्ड और बैंक अकाउंट हमारे तहसीलदार महोदय को दे दें और वो शासन को पहुंच जाएगा और 31 मार्च तक अवश्य उसको पैसा मिल जाएगा। जो वित्तीय वर्ष होता है हमारा वो 1 अप्रैल से होता है 31 मार्च तक, तो अब इस वित्तीय वर्ष का अब जनवरी की लास्ट वीक चल रही है और 31 मार्च इसका लास्ट दिन है। मैं सबसे यही मैंने इनसे गुजारिश की है, सबसे अनुरोध किया है कि वो सब लोग अपने अगर किसी को कोई जानकारी हो, किसी की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई हो, तो वो कृपया बता दें जिससे उनके वारिस को उसका लाभ मिल सके, 2,00,000 रुपये मिल सकें, जिससे वो उसके पढ़ाई के में काम आ सकें, जीवन यापन में काम आ सकें, ब्याह शादी में काम आ सकें, उनके लिए हमने सबसे अनुरोध किया है। अब तक कोई सूचना मिली जनपद से? अभी तक जनपद से हमको कोई सूचना नहीं मिली है। मैं बार बार हर कार्यक्रम में इस बात को रख रहा हूँ, लेकिन मेरे संज्ञान में अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं है कि किसी की इस तरीके से रोड एक्सीडेंट में उपचार के दौरान मृत्यु हुई हो और जिससे हम उसके वारिस को पैसे दिलवा सकें, अभी तक नहीं है इसकी जानकारी। और यहाँ तक भी अभी जिलाधिकारी महोदय ने हमसे कहा है, निर्देशित किया है हमको कि किसी नेक आदमी को ढूंढा जाए जो गुड सेमिट्री के लिए, जिसमें जनपद स्तर पर उसको 5,000 रुपये से पुरस्कृत किया जाएगा और यदि उसका नाम प्रदेश स्तर पर आता है तो उसको 1,00,000 रुपये से पुरस्कृत किया जाएगा। लेकिन अभी तक हमको ऐसा भी आदमी नहीं मिला है और आपसे भी हम आपके चैनल के माध्यम से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि यदि कोई नाम हो तो कृपया जल्दी से जल्दी हमारे पास भिजवाने का कष्ट करें। सर, आज क्या प्रोग्राम? आज जो हमारा कार्यक्रम था, जैसा कि आप सब संज्ञानित हैं कि 5 जनवरी से 4 फरवरी 2023 तक हमारा सड़क सुरक्षा माह चल रहा है और कल भी हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती के उपलक्ष में एक मानव श्रृंखला बनाई गई जिसमें 25,000 से भी अधिक लोगों ने हिस्सा लिया, बहुत सफल कार्यक्रम रहा। और आज सड़क सुरक्षा माह के तहत जो कार्यक्रम था वो हमारे ट्रक ऑपरेटर्स के लिए था, हमको ट्रक ऑपरेटर्स को जागरूक करने का कार्यक्रम था। इसमें हमारे यहाँ पर भारी संख्या में ट्रक ऑपरेटर्स, बस यूनियन से और भी अन्य ट्रैक्टर ट्रॉली किसान भाई आए हैं, उनको हमने इसके लिए जागरूक किया है। हमारे साथी पीटीओ साहब ने भी जागरूक किया, रिफ्लेक्टेड टेप पर विशेष ध्यान दिया है कि वो रिफ्लेक्टेड टेप लगाना ना भूलें। कुछ स्कीमें जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की चल रही हैं, जैसे नेक आदमी के बारे में और सोलेशियम स्कीम बताई, हमने इन लोगों को सबको जागरूक किया। बहुत सारे लोग इस स्कीम के बारे में नहीं जानते थे, उसको हमने बताया। और भी कोई भी अगर बात होती है तो हमसे व्यक्तिगत रूप से भी मिलकर संपर्क करके हम उनको बताएंगे। किसी भी कीमत पर मानव हानि नहीं होना चाहिए। ट्रक से जो दुर्घटनाएं, बस से दुर्घटनाएं, जो भी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं वो कम से कम हो ना हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम कम तो हों, इतनी जो दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं वो ना बढ़ें, इसके लिए हमने इनको जागरूक किया।